ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो दंगा भड़काने के लिए कर रहे हैं, यहाँ से हटाए रेडी पटरी के लिए, इसलिए अन्य ऐसा कोई नहीं है। सब हिंदू भाई अपने सब लगाते हैं, कोई पंडित भी लगाता है, कोई अर्जुन भी है, विक्की भी है, सभी भाई लगाते हैं, यार दोस्त है सब। ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं है हमारे में। कुछ लोग आए बीच में थोड़ा सा भड़काऊ भाषण, दंगे फसाद करवाने के लिए, जो मुसलमान भाइयों को मतलब भगाया जाए यहाँ से, ये इसी तरह से थोड़ा सा झगड़ा कराना चाहते हैं। नहीं जय श्री राम तो लगाओ को नारे थोड़ी, बिल्कुल अरे लगाना गुना थोड़ी है, अरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं भाई ये सब। उत्तम नगर में यूं तो कई साल से रेहड़ी पटरियां लगती चली आ रही हैं और पूरे रोड के जो किनारे पर रेहड़ी पटरियां लगती हैं वहां से लोग अपना रोजगार चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब एंट्री हुई है बजरंग दल की, तब से ये पूरा मामला एक अलग ही तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल जब तक मामला आपसी दुकानदारों के बीच था तब तक इस मामले में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी, लेकिन सड़क पर बजरंग दल ने उतरकर जब जय श्री राम के नारे लगाए, हाथों में लाठी डंडे लेकर बजरंग दल के लोग उत्तम नगर की इसी सड़क पर नजर आए, तब से ये माहौल गर्मा गया। और उसी के बाद से लगातार पुलिस की जो गाड़ियां हैं, PCR है, वो इस इलाके में तैनात रहने लगी। उसके बाद जो इलाके में रेहड़ी पटरी वाले हैं उन पर इतना खौफदारी है कि अब वो लोग रेहड़ी पटरी नहीं लगाते, अब अपने घरों पर ही हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय सिंह, जो कि रेहड़ी पटरी वालों के यहाँ लीडर हैं, फ्रूट्स रेहड़ी पटरी वालों के। सीधी बातचीत उन्हीं से करते हैं, पूरा मामला जानते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या है। अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत INN चैनल पर। वेलकम। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि ये रेहड़ी पटरी वाले जो यहाँ रेहड़ी पटरियाँ लगाते हैं उसमें क्या दोनों कम्युनिटी हैं, हिंदू मुसलमान या सिर्फ मुस्लिम है? देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ पे रेहड़ी पटरी में दोनों कम्युनिटी है, और हिंदू और मुसलमान क्या होता है, ये लोग चूंकि आपस में जब काम करते हैं, जो लोग 5 बजे सुबह जगता है और रात के 12 बजे सोता है, उनको हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना है? ठीक है, वो हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है। ये तो विषय क्या है, 70% गरीब और 30% अमीरों के बीच की लड़ाई है। और जो और साथ साथ चूंकि इस प्रकार का जो माहौल बना है, माहौल सबसे पहली बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन के इशारे पे सारी चीज़ें हो रही है। और प्रशासन चूंकि यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, जो SHO साहब हैं, DCP साहब हैं, उनके खिलाफ हमने तमाम सारी कंप्लेनें डाला हुआ है, तमाम हमारे पास शिकायतें आई हुई है, और जाकर के तमाम वीडियोज़ भी हमारे पास आए हैं कि वो जाकर के उनसे प्राइवेट गुंडों से वो वसूली करवाती है वहाँ पे, और साथ साथ इनके साथ मारपीट करके तो और रेडी वालों को जितने भी हैं उनको दिखाता है भाई यहाँ पे मेन रोड पे जो है हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि यहाँ पे मेन रोड पे रेडी नहीं लगेगी, जो कि वर्षों से लगती आ रही है, और साड़ी वो लगाती भी वही लगवाती भी है, वह जो है वहीं पे लगवाती है रेडी, और रेडी लगवाने के बाद पता चलता है कि वो आता है पल भर के लिए, उनको डंडे मारता है, खदेड़ता है, उसके बाद फिर उन्हीं का सामान ले जाता है, उसके बाद फिर जाकर के उसको भगा भी देता है, और साथ साथ जो कि उनको फिर लगवा भी देता है। तो इस प्रकार और साथ साथ ये इसलिए करता है कि ताकि उसके अंदर डर रहे, और डर रहेगा तो वो फिर जो है उसके जरिए वो वसूली कर पाए। और ये पुलिस की जब ये वसूली के खिलाफ हमने जब मुहिम छेड़ने के बाद ये पुलिस को ऐसा लगा कि अब तो जो है यहाँ पे हम फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि SHO साहब के खिलाफ, DCP साहब के खिलाफ और इनके साथियों के खिलाफ, यहाँ तक कि MCD के खिलाफ भी तमाम सारे हमारे पास एविडेंस हैं, जिसके जरिए जो है क्या नाम है कि हमने जो है उनको ठीक है ये कहा भाई आप ये उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हमने मांग किया हुआ है, और यहाँ से लेके मिनिस्ट्री तक में हमने कंप्लेन डाला हुआ है। तो जब उनको लगा कि अब हम फंस जाएंगे, तो उससे अपने बचने के लिए इन्होंने तमाम तरह के हथकंडे करने शुरू कर दिए। अजय सिंह, ये बताइए, ये वसूली वाला जो पूरा मामला था, पुलिस वसूली करती थी फिर गुंडों से करवाती थी, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें एक बैनर लगाया गया जिसपे लिखा गया कि सभी हिंदू भाइयों से गुजारिश है, अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि वो किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट से, असामाजिक तत्व से कुछ भी ना खरीदें फल। तो कौन असामाजिक तत्व, किसकी तरफ इशारा है, और बजरंग दल का इसमें क्या मैटर है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं सर, जो कि पहले जो बात है, जो इस प्रकार की जो भी संदेश दे रहा है
ये कोई सी दल विशेष पे हमला ना करके, बल्कि जो है अगर कोई दल विशेष अगर जिम्मेवारी ले रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी बजरंग दल लिखा है उसके। हाँ, बजरंग दल अगर लिखा हुआ है तो बजरंग दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी स्थानीय यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा अपील है कि इस प्रकार का कोई भी संदेश ना दें, क्योंकि भाई एक मैं भी एक हिंदू हूँ और जो क्या नाम है, मैं समझता हूँ कोई हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है या कोई मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो इसमें जाकर के और सभी किसी कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत है। जिस पदाधिकारी ने या जिस कार्यकर्ता ने जाकर के उस पर लाठियां चार्ज किया है और ये लाठियां बरसाया है, उस पर जाकर के प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये मेरा भी सवाल है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। और जिन्होंने दंगा भड़काया और जाकर के वन साइडेड हमला है ये, ठीक है, ये टू साइडेड नहीं बल्कि ये वन साइडेड हमला है। अच्छा, इसे आप प्रोटेस्ट का नाम नहीं देंगे, इसे हमला कहेंगे? ये बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट का बिल्कुल नाम है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक संवैधानिक तरीके से वो जाकर के अपनी बात को रखते, कहते भाई ये विवाद जो शुरू हुआ था एक रेड़ी वाला और एक दुकानदार रेड़ी को लगाने को लेकर के जो भी विवाद हुआ था, मैं कहता मान सकता हूँ कि अगर आप मेरे को जो सूचना मिली है उसके तहत क्या है क्या नहीं वो पुलिस का काम है, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि अगर रेड़ी वाले ने गलती किया तो उनको पनिशमेंट के लिए जो है आप आवाज उठाओ ना, ठीक है, उनको पनिशमेंट के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के कहते भाई आप उसको पनिश करो, और पुलिस है आपके पास, पुलिस जो है क्या नाम है, बीजेपी की सरकार भी है, तमाम सारी चीजें हैं, तो वो जाकर के जो है पुलिस काम करती है उस पर। फिर उन लोगों ने क्या किया? लेकिन उसके जगह ये सभी लोग जाकर के सारे शटर बंद करके और जो कुछ अराजक तत्व तो आकर के वो उन्होंने लाठी डंडे के बल पे एक मजदूर जो कि रिजवान है उनका नाम, जैसा कि चूंकि मैं उनसे मिला भी हूँ, ठीक है, तो उनको जो कि वैसे व्यक्ति को जाकर के वो वहां पे जाकर के जो निर्दोष है उनका उन विवाद से कोई लेना देना नहीं, उनको जाकर के मार के सर फाड़ दिया उसका, और बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हुए थे, बहुत गंभीर हालात में थे। रिजवान भी रेड़ी पटरी कर लें? रेड़ी पटरी वो लगाते थे, एक्चुअली रेड़ी पटरी मजदूर है, और कुछ ही समय हुआ है कि जो उसका मैटर उन विवादों से कोई लेना देना नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उसको रेड़ी लगाते हुए जैसा कि उन्होंने बताया हमें, ठीक है, तो उनको टारगेट करने का कोई मतलब नहीं, उस विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे निर्दोषों को जाकर बेगुनाहों को जाकर क्यों टारगेट किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है। अच्छा, ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं इनको लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये वीडियो सच्चे नहीं है, आप तो यहीं रहते हैं आपको मालूम भी है, तो बताइए क्या ये वीडियो सच्चे हैं कि बजरंग दल के कुछ लोग आए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, लाठी डंडे उनके हाथ में थे और वो पूरे रोड पर घूम रहे थे, क्या ये सच है, वीडियो सच्चे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जय श्री राम के नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाएं अच्छी बात है, और जो मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान सबको लगानी चाहिए, ठीक है, जय श्री राम, राम राम जो है क्या है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो जिसको अलग अलग, ठीक है, शब्दों में अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है, जैसा कि जो है क्या नाम है, कोई अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन लोगों का लगाना, उन लोगों का इस दौर में और ऐसे और भड़काऊ तौर पर, हाँ, ऐसे में क्या है कि चूंकि हम, मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम के नाम को भी ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं जो कि इस प्रकार की चीजें ना करें वो, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस प्रकार की चीजें ना करें आप, ठीक है, और साथ साथ चूंकि लाठी डंडे के बल पे जाकर के उनको ये दिखाना कि मैं लाठी डंडे के बल पे जो है क्या नाम है, अगर प्रशासन काम नहीं कर रही है, प्रशासन का काम मैं कर रहा हूँ, ये तमाम सारी चीजें, और जाकर के एक निर्दोष को जाके पिटना, ये टोटली सड़ासड़ गलत है, ठीक है, इस पे प्रशासन जो है उस पे जो कार्रवाई करे ऐसे लोगों को, और जिन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार की हिंदू और मुसलमान की बात किया है, सांप्रदायिकता भड़काया है, ठीक है, और वो फैलाया है उन्होंने और उनको जाके दंगा भड़काया है, तो उनको, ऐसे लोगों को जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन अब तक क्यों चुप हुआ है और सरकार इस पर क्यों चुप है, वो मेरा सरकार और प्रशासन दोनों से सवाल है। बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर आईएनएन चैनल से बातचीत करने के लिए। तो अजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि वो बजरंग दल हो या कोई और दल हो, अगर आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है और इस तरह की चीजें जो उत्तम नगर में हुई हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये तमाम लोग जो अराजक तत्व हैं वो आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्यों पुलिस उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है और माहौल बिगड़ने का लगातार इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर से आईएनएन चैनल के लिए साहिल नकवी।